डियर स्टूडेंट्स ना वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ फेक न्यूज़ फेक न्यूज़ इज़ अ फेब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ प्रेजेंटेड एज़ न्यूज़ हम देखते हैं कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और ऑनलाइन वर्ल्ड uh, में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन uh, uh, मिलती है ऑन एनी टॉपिक ऑन एनी इशू जो कि uh, सही नहीं होती जो कि एक्चुअल इन्फॉर्मेसन नहीं होती वो फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन होती है तो ऐसी इंफॉर्मेशन को जो किसी इवेंट किसी इंसिडेंट या किसी पर्सनालिटी के मतलब हो और वो फैब्रिकेटेड हो और मैनपुलेट हो उसको फेक न्यूज़ कहा जाता है फेक न्यूज़ मिमिक्स न्यू मीडिया कंटेंट इन फॉर्म बट नॉट इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस और इंटेंट जब फेक न्यूज़ की बात की जाती है तो फेक uh, न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया यूजर्स जनरेट कर रहे होते हैं या पोलिटे पोलिटिकली मोटिवेटेड ग्रूप्स जो है उसको जनरेट कर रहे होते हैं ऐसा बहुत कम होता है कि कोई न्यूज़ एजेंसी फेक न्यूज़ जो है वो क्रिएट करे या वो शेयर करे फेक न्यूज़ आउटलेट्स लैक द न्यूज़ मीडिया एडोटोरियल नॉर्म्स एंड प्रोसेस फॉर इंश्योरिंग द एक्सी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वन एवर वी टॉक अबाउट द फेक न्यूज़ Uh, uh, it comes uh, to the knowledge that uh, uh, such kind of uh, uh, news have been developed or shared by the uh, unprofessional people or unprofessional group of people uh, uh, professional news agencies and media organization do not do this fake news are created intentionally to achieve certain agenda जब हम फेक न्यूज़ की बात करते हैं तो फेक न्यूज़ बनाई ही इस मकसद के लिए जाती है कि उससे कोई एक पर्सनल सोशल और पॉलिटिकल एजेंडा अचीव किया जाए उसके बनाने वाले जो उसके डेवलपर्स होते हैं वो इसको विदाउट हैविंग एनी इंटेंट नहीं डेवलप कर रहे होते वो हो सकता है आ, एक फेक न्यूज़ शेयर करने से किसी की पर्सनलिटी को डीफेम कर रहे हों किसी ग्रुप को डीफेम कर रहे हों या वो किसी किस्म के पॉलिटिकल गेंस हासिल करना चाहते हों ऐसी फेक न्यूज़ जनरेट करके फेक न्यूज़ रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रियल न्यूज़ जब हम देखते हैं कि आप कोई एक इवेंट हुआ है उसकी सोशल मीडिया पर रियल न्यूज़ भी है और आ, और फेक न्यूज़ भी है तो इट्स द ह्यूमन साइकी के हम आ, जो है नेगेटिव थिंग्स पर जल्दी बिलीव करते हैं और पॉजिटिव थिंग्स पर जो है मुश्किल से बिलीव करते हैं और जब हम नेगेटिव टी की बात करती हैं तो फेक न्यूज़ मोस्टली नेगेटिव आशपेक्ट पे ही को कवर कर रही होती है और इसी वजह से जब हम बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ देखते हैं किसी आ, एक पर्टिकुलर टॉपिक और पर्सनैलिटी के मतलब तो उसकी जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है लोगों के जहन में फेक न्यूज़ कैन डिस्टर्ब सोशो पोलिटिकल सिस्टम यह भी देखने में आया है कि जब आप बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपका सोशो पॉलिटिकल सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकती है इसीलिए जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है फेक न्यूज़ की तो एज़ पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन यू कैन आइडेंटिफाई द फ़ेक न्यूज़ ऑन द फॉलोइंग गाइडलाइंस फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू आर हेयरिंग एनी न्यूज़ यू मे द सोर्स। ये जो न्यूज़ आप uh, के साथ शेयर की गई है या आप कोई न्यूज़ सुन रहे हैं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो इसका सोर्स क्या है क्या वो किसी न्यूज़ एजेंसी ने शेयर की है या वो किसी पॉपुलर मीडिया पर्सनालिटी में शेयर की है या वो कोई एनानमस प्रोफाइल से uh, शेयर की गई है या एनानस जो है ग्रुप्स की तरफ से शेयर की है, गई है रीड बीड द हेडलाइंस जो फेक न्यूज़ बनाई जाती हैं उसमें जो हेडलाइन कुछ होती है और नीचे स्टोरी कुछ और होती है तो आपको इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस पूरी स्टोरी को पढ़ें तो जब आप एक पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रियल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है चेक द ऑथर्स ये थर्ड गाइडलाइन है कि आप जो कोई फेक न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है उसकी ऑथरशिप देखें कि वो रिपोर्ट कौन कर रहा है अगर तो वो कोई पॉपुलर सोशल मीडिया पर्सनलिटी है तो मे बी इट इज़ राइट न्यूज़ अगर वो कोई पॉपुलर सोशल मीडिया पर्सनलिटी नहीं है तो हो सकता है कि वो उसके फेक न्यूज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हों असेस द सपोर्टिंग सोर्सेज आप देखें कि जिन के बारे में न्यूज़ में बात की गई है कि क्या वो रिलायबल सोर्सेज भी हैं या नहीं है चेक द डेट ऑफ पब्लिकेशन तो फेक न्यूज़ जो होती हैं वो किसी इवेंट के होने के बाद भी बनाई जाती हैं तो आप देखें कि जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है अगर वो फेक होगी तो वो हो सकता है कि इवेंट होने के काफ़ी अर्सा बाद भी डेवलप की गई हो आज इफ़ इट इज़ अ योक यू मे आज द ऑथर ऑफ द फेक न्यूज़ स्टोरी के भी आप उसके इससे क्रेडिबिलिटी पूछे कि वो मजाक तो नहीं कर रहा तो ऐसे भी आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं रिव्यू योर ओन बाइसिस समटाइम्स ये होता है कि हमारी अपनी कोई आइडियोलॉजीज़ होती हैं तो फेक न्यूज़ उस आइडियोलॉजीज़ को कन्फर्म कर रही होती हैं तो हमें लगता है कि ये ठीक स्टोरी है या ये ठीक रिपोर्टिंग है तो आपको इस चीज़ को भी जो है देखना चाहिए कि भी अपनी आइडियोलॉजिकल स्टैंडिंग की बजाय उसकी जो है रिलायबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और द लास्ट गाइडलाइन इन दिस रिगार्ड इज़ आस्क द एक्सपर्ट्स तो जिस टॉपिक पे आ, कोई आपको लगता है कि न्यूज़ जो है वो रिलायबल नहीं नज़र आ रही तो आप उस टॉपिक से रेलिवेंट किसी एक्सपर्ट से पूछ लें किसी से मशवरा कर लें किसी से गाइडलाइन ले लें कि ये क्या आपको ठीक लगती है या नहीं लगती है